मेरे दिल में बचे हैं दर्द बहुत और कुछ शिकायतें बाकी हैं कि मेरे दिल में बचे हैं दर्द बहुत और कुछ शिकायतें बाकी हैं। महफिल सजी है शायरों की बुलाने के लिए उसे, तुम्हें लगता है चंद शेर और चाय काफ़ी है। एक और से सुनिएगा कि उसके दिए हर दर्द को यादों में सजा रखा है, उसके दिए हर दर्द को यादों में सजा रखा है, मोहब्बत का नाम हमने अब दगा रखा है। और लोग पूछते हैं क्या राज है इस हालत फ़कीरी का, तो सोचो कोई पसंद ना कर ले इसलिए बालों को बड़ा रखा है। धन्यवाद धन्यवाद। और सुनिए कि एक बहुत प्यारी सी शायरी है, अच्छा सुनो, कि कुछ कहना है तुमसे, सुनोगी क्या, इस हजारों की भीड़ में इस नाचीज को चुनोगी क्या। और ये चांद सितारे गोवा मनाली ताज वगैरह, ये चांद सितारे गोवा मनाली ताज वगैरह सब बेकार की बातें हैं, तुम्हारे साथ वृंदावन जाना है, बताओ चलोगी क्या। लड़की थोड़ी सी पागल थोड़ी सी नटखट थोड़ी सयानी होनी चाहिए, लड़की थोड़ी सी पागल थोड़ी सी नटखट थोड़ी सयानी होनी चाहिए, वो मेरे साथ साथ मेरे कान्हा की भी दीवानी होनी चाहिए। और जैसा कि लोग चेहरों में फंस जाते हैं यादों में फंस जाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है किसी की आंखों में मत फंसना, क्योंकि ये वो कहते हैं अगर वहाँ फंसे तो निकलना नामुमकिन। तो तब किसी की आंखें बहुत प्यारी लगती हैं, तो उसके लिए लिखा था कि धड़कने रोकेंगी दिल को करार डालेंगी, धड़कने रोकेंगी दिल को करार डालेंगी, तुम्हारी निगाहें हमें मार डालेंगी। और एक और है बहुत प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि तुम आते हो तुम्हारा आना बहुत है, कि तुम आते हो तुम्हारा आना बहुत है, हमें देख फिर नजरें चुराना बहुत है। और ये हाय हेलो अच्छा कैसे हो औरों के लिए होगा, मेरे लिए तुम्हारा मुझे देख मुस्कुराना बहुत है। धन्यवाद। चुराकर नूर चांद का जमी को आसमान कर रही हैं, चुराकर नूर चांद का जमी को आसमान कर रही हैं, तुम्हारी निगाहें हमें बेईमान कर रही हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि सब पराए हो, लेकिन फिर भी तुम पराई ना होकर पराई होकर भी अब हमें हमारी लगती हो, कि वो पराई होकर भी अब हमें हमारी लगती है, तुम्हारे आगे बेरंगी दुनिया सारी लगती है। और सादगी चेहरे पर कमाल है, लेकिन सादगी चेहरे पर कमाल है, लेकिन ये आंखें उससे भी प्यारी लगती हैं। और ये सूट तुम्हारा गवाह है सादगी का, ये सूट तुम्हारा गवाह है सादगी का, जब ये पहनती हो तो सारी लड़कियां बेचारी लगती हैं। और आगे सुनिएगा कि ये बच्चों सी हरकतें नादानियां तुम्हारी, ये बच्चों सी हरकतें नादानियां तुम्हारी, और कभी कभी मंदिर भी जाना, लगता है लड़की संस्कारी लगती है। इसकी आंखें वाकई बहुत प्यारी लगती हैं, कि जो पहली नज़र में होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट साइट लव, हाँ वही इश्क है। जब तुम किसी को पहली दफ़ा देखो और देखते रह जाओ तो समझो इश्क है, जब तुम किसी की आंखों में देखो और देखते जाओ देखते जाओ देखते ही जाओ, और तुम ना रहो वो हो जाओ, तो समझो इश्क है। और इश्क है या नहीं इसकी गवाही कोई नहीं देगा, तुम्हारी निगाहें हजारों की भीड़ में सिर्फ उसी को खोजेगा, तो समझो इश्क है। और सुनिएगा कि उसकी याद में उसकी राहें तकते हो, वो तुम्हारे पास आकर बैठे इस उम्मीद में बराबर वाली सीट हमेशा खाली रखते हो, और जब वो जाती है तो थोड़ा तुम जो तड़पते हो वही इश्क है। और इश्क में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, इश्क में
शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, तुम उससे सिर्फ आँखों से बातें करते हो। वो तुम्हें समझती है, तुम उसे समझते हो। बताते नहीं उसे कि कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए, इस बात से डरते हो। तो समझो इश्क है। बात करने की हिम्मत नहीं होती, तब तुम उसे इंस्टा पर रील सेंड करते हो। तो समझो इश्क है। और इश्क में हाय, हेलो, अच्छा, कैसे हो कभी नहीं होता। तुम उससे आँखों से राधे राधे करते हो। तो समझो इश्क है। और हाँ, जो एक तरफा होता है ना मेरे दोस्त, हकीकत में वही इश्क है, वही इश्क है। धन्यवाद।